से बातचीत में ये कहा गया कि अब यूपीए जैसा कुछ नहीं है और सारे विपक्षी दलों को एक साथ आगे आना होगा, एकजुट होना होगा। शरद पवार की तरफ से भी यही कहा गया कि जमीन पर रहकर लड़ाई लड़नी होगी। ममता बनर्जी ने जहां ये कही, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। शरद पवार की तरफ से भी ये मुलाकात के बाद बयान सामने आया, साथ ही साथ ये भी कि यूपीए जैसा कुछ नहीं बचा, सारे विपक्षी दलों को अगर बीजेपी को हराना है तो एक साथ आना पड़ेगा, यूपीए जैसा कुछ भी नहीं बचा और ऐसे में हर दल को साथ आकर एकजुट होकर ये लंबी लड़ाई लड़नी होगी।